एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमीशा नाथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल्स लेके, जो पहला बोहाग के लिए है। एंड ये जो मेकअप लुक है, मेकअप ट्यूटोरियल्स है, बहुत ही सिंपल और इजी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी 10 रुपये में कंप्लीट होने वाला एक मेकअप लुक चाहिए, एक मेकअप ट्यूटोरियल्स चाहिए। लेकिन मैं बोल देना चाहती हूँ कि उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। एंड वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। तो फिलहाल के लिए 10 रुपये में कंप्लीट होने वाला मेकअप लुक बस एक ही मैंने डाल रखा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप ट्यूटोरियल्स है। एंड आगे जो है मैं बहुत ही कम प्राइस पे कंप्लीट होने वाला एंड कम प्रोडक्ट से कंप्लीट होने वाला मेकअप ट्यूटोरियल्स लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला बोहाग जो है आने ही वाला है, बोहाग के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। तो बहुत काफ़ी सारा वीडियो है जो पेंडिंग में है। आई डोंट नो कि कैसे कर पाऊंगी मैं, लेकिन आप लोगों को मैंने वादा कर रखा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। एंड जितना भी मेरा सब्सक्राइबर्स है, मैं आप लोगों को अपना फैमिली मानती हूँ, मेरे फैमिली है आप लोग। तो मैं हमेशा वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही लाती हूँ। एंड मेरा जो वीडियो है, अगर आप लोग देखोगे तो उससे ज़्यादा खुशी और मुझे किसी भी बात पे नहीं होगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख लोगे, उससे ज़्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है ना। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो देखा कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिले कि अच्छे अच्छे वीडियो में लेके आ सकूँ आपके लिए। आप लोग जब वीडियो देखते हो या वीडियो पे लाइक करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो एक बॉन्डिंग है, एक जो है ना, वो एक जैसे कि बहुत स्ट्रांग है, ऐसा फील होता है। एंड मुझे और भी ज़्यादा वीडियो, अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, तभी तो मुझे हिम्मत मिलेगा और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स, आज के मेकअप के लिए मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र पे अप्लाई करूँगी निविया का मॉइस्चराइज़र क्रीम। एंड उसके साथ मैंने थोड़ा सा फेयर लवली क्रीम भी मिक्स कर लिया है, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा थी, तो मेकअप करने से पहले जितना भी स्किन केयर करना ज़रूरी था वो मैंने नहीं किया आज, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। एंड गर्मियों की वजह से मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना थोड़ा सा जैसे कि पसीना पसीना एंड थोड़ा सा चिपचिपापन फील होता है, तो मैंने इसलिए निविया के साथ थोड़ा सा फेयर एंड लवली क्रीम मैंने मिक्स कर लिया है, तो वो बैलेंस हो गया। अब ना ही तो मेरे स्किन पे कोई चिपचिपापन आ रहा है और ना ही कोई ड्राइनेस आ रही है, दोनों क्रीमों को इसलिए मैंने मिक्स कर लिया। एंड उसके बाद मैंने आज प्राइमर पे अप्लाई किया, हुदा ब्यूटी का जो वाटरप्रूफ प्राइमर है। एंड प्राइमर को आपको अच्छे से पूरे फेस पे लगा लेनी है। एंड आई एम सॉरी कि मुझे बीच बीच में वीडियो को स्पीड करना पड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो फिर आपको भी देख के मज़ा नहीं आएगा एंड आप भी बोर हो जाओगे। एंड आई थिंक कि मैं वीडियो कितना भी स्पीड चलाऊँ या स्लो चलाऊँ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स का यूज़ दिखाने के साथ साथ मैं आपको जो है प्रोडक्ट्स का नाम भी बताते जाऊँगी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने अंडर आइज़ को कवर करने के लिए थोड़ा सा प्रो कंसील अप्लाई किया है। अगर आपके फेस पे कहीं पे भी दाग धब्बे हैं या कोई दाग सकल है, तो आप जो है कंसीलर से उसे कवर कर सकते हैं। तो कंसीलर को अच्छे से लगा के जो है आपको अपने कंसील एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यहाँ पर लिया है एक डार्क ब्राउन कलर, जिससे मैं अपना आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। एंड ये जो कलर है मैंने लिया है अपने आई शेडो पैलेट से, क्योंकि एक तरह से बोला जाए तो ये एक छोटा सा जुगाड़ है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई आईब्रो पेंसिल नहीं था, जिसके लिए मैंने मुझे ऐसा करना पड़ा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक डार्क पिंक कलर, जो अपने क्रीज लाइन पे मैंने लगाया है। एंड उसके बाद मैं एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लेके, ब्लेंडिंग ब्रश लेके अपने क्रीज एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं अपने आईलेट पे आज सोच रही हूँ एक जैसे कि एक सिमरी शेड लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने जो है पहले थोड़ा सा कंसीलर लगाया, क्योंकि सिमरी शेड लगाने से पहले थोड़ा सा अगर उसके नीचे अगर थोड़ा सा आप कंसीलर लगा दोगे तो वो बहुत ही अच्छे से लग जाता है।
एंड उसके बाद मैंने कंसीलर लग जाने के बाद उसके ऊपर मैंने एक शिमरी शेड लगाया, जो बहुत ही कलर आप देख सकते हैं, जो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर है, एंड जिसको मैंने अपने साड़ीज़ के साथ मैचिंग करके अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं मेरे साड़ीज़ का कलर भी, कलर्स पूरे साड़ीज़ का कलर नहीं, जैसे कि हमारे पल्लू आप देख सकते हैं, पल्लू पे कुछ इस तरीके का कलर है आप देख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उसके साथ मैचिंग हो जाए इस तरीके का कुछ कलर अप्लाई किया है। वरना आप किसी भी मतलब कोई भी कलर अप्लाई करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने कपड़े के साथ साड़ीज़ हो, लहंगा हो या कुछ भी पहनो, आप अपने अगर ड्रेस के साथ मैचिंग कर जाए ना, तो ही आपका जो है आई मेकअप हो या अपने पूरे फेस का मेकअप जो है ना, वो अच्छे से दिख जाता है। एंड मतलब कि क्या बोले उसको, थोड़ा सा ऊपर का मेकअप जैसा लगता है। एंड उसके बाद मैंने अपने जो है आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड लेके जस्ट थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर लिया। तो उसके बाद मैंने आईलाइनर मस्कारा वगैरह लगा कर अपने पूरे आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया। एंड आज के मेकअप पे मैं सोच रही हूँ कोई काजल वगैरह नहीं लगाऊंगी, जस्ट ऊपर मैंने अपने आईलेट पे जो जो कलर अप्लाई किया है बस उसी कलर को थोड़ा सा अपने नीचे भी लॉयलसेस पे थोड़ा सा मैंने लगा दिया है, ब्लेंड कर लिया। एंड अब हम करेंगे अपना बेस। बेस के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है फिट मी फाउंडेशन, एंड हाइलाइटर के लिए मैंने अप्लाई किया है जो क्रीमी हाइलाइटर जो है एक, उसको मैंने अपने हाइलाइट एरिया पे लगा लिया है। एंड उसके बाद मैंने लगाया है कॉम्पैक्ट, एंड कॉम्पैक्ट के बाद थोड़ा सा मैंने लगाया है अपने चिक्स पे एक हल्का सा जो पिंकी टाइप का जो एक शेड है ब्लश शेड, उसे मैंने लगाया है। एंड लिपस्टिक पे मैंने लगाया है हुडा ब्यूटी का मैरून कलर का लिपस्टिक। एंड चलिए लास्ट में मैं आपको अपना हेयर स्टाइल भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करके बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं पहला बहाग के लिए। एंड ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।